अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूबर गाय के साथ मैं हूँ वली सफदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 3 एप्लीकेशंस लेके आया हूँ जो कि बहुत ही कमाल की एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एप्लीकेशंस पसंद आएंगी, आप इनको काफ़ी इंजॉय करेंगे और इनसे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, ये तीनों एप्लीकेशंस एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशंस है दोस्तों, वो है फ्लोटिंग बार। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का सेटअप आपके सामने आ जाएगा। सबसे फर्स्ट पे जो ऑप्शन है दोस्तों फ्लोटिंग बार का, इसको आपने ऑन कर देना है। मैंने इधर से ऑन किया हुआ है। जो इधर है शो ऐप्स ऑन फ्लोटिंग बार, इसको भी आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 एप्लीकेशन सेलेक्ट की हुई हैं, यूट्यूब, फेसबुक और मैसेंजर। तो आप यहां से कोई भी अपनी फेवरेट एप्लीकेशन जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इधर से आप म्यूज़िक टूल को भी ओपन कर सकते हैं और उसको ऑन कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल केला शो ऐप्स किया हुआ है। तो मैं इसको ऑन करने के बाद, अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अपने मेन्यू में जाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ। तो मेन्यू में आने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं राइट साइड पर नीचे मुझे एक तीर का निशान नज़र आ रहा है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरा जो मेन्यू है वो शो हो रहा है, जो मैंने ऐप्स अपनी फेवरेट सेलेक्ट की हुई हैं, यूट्यूब, फेसबुक और मैसेंजर। यहाँ से मैं YouTube पे क्लिक करता हूँ तो मैं इजीली अपना YouTube यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये एक LG मोबाइल का फीचर है जो कि अब हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी जो फेवरेट एप्लीकेशंस हैं उनको इधर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो देखने में ये बहुत ही कूल लगता है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारी अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारी अगली एप्लीकेशन है वो है टच VPN। ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, इसका आइकन चेक कर लें, आपने यही डाउनलोड करनी है, कोई और डाउनलोड नहीं करनी है। मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह ही आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत सारे VPN पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपको इसका ही क्यों कहा है, इसकी वजह ये है कि उनकी एक टाइम लिमिट होती है कि आप उसे इतने टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में आपको उस VPN को ख़रीदना पड़ता है। तो इसका दोस्तों ख़रीदने वाला कोई चक्कर नहीं है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको जितना मर्ज़ी यूज़ करें, इसमें आपकी प्राइवेसी भी बिल्कुल सेव है। कई VPN होते हैं उनमें आपकी प्राइवेसी सेव नहीं होती है, वहाँ पर पता चलता रहता है कि आप कौन सी वेबसाइट ऑन कर रहे हैं या किस लिए यूज़ कर रहे हैं, किधर कौन सी वेबसाइट खोली, अब कौन सी वेबसाइट खोली। तो इसमें आपकी दोस्तों प्राइवेसी जो है बिल्कुल सेव है, आपको इसमें कोई इशू नहीं है, जितना मर्ज़ी आप इसे यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन पसंद आएगी। बढ़ते हैं हमारी तीसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारी तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन है वो है मैजिक फ्रूट्स। ये भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपने इसे ओपन करना है। मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी स्क्रीन पर अपनी फिंगर को टच करेंगे तो आपको बड़े ही कूल और प्यारे से एनिमेशन बनते नज़र आएंगे। जैसे ही मैं अपनी फिंगर पर ये देखें टच कर रहा हूँ, मुझे एनिमेशन बनते नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी स्क्रीन पर इसे ऐसा वॉलपेपर सेट कर सकते हैं और बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। तो टाइम पास करने के लिए भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। आप जैसे जैसे देख रहे हैं, अपने अपनी फिंगर रिलीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे अपनी फिंगर टच कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये एनिमेशन बनाता जा रहा है। तो ऐसे दोस्तों, ये बहुत ही कूल एप्लीकेशन है, ये भी आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप 3 एप्लीकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐप्स पसंद आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक पर क्लिक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।